सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। से बात कराते हैं क्योंकि वही बताएंगे कैसे हमसे मिले और कहां मिले। और तो नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। तो आपको इंटीरियर पीएम में स्वागत है। तो हमको बढ़िया सा स्लाइडिंग डोर और साथ में ड्रेसिंग टेबल और साथ में अटैच बाथरूम का स्लाइडिंग डोर, वो सारा आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ में आपका रेट भी बताएंगे कितने बनी है। साफ से पूरा बिल्कुल कस्टमर से बिल्कुल बताएंगे कितने के बनी है तो और कैसा बना है और कैसे मतलब काम हुआ है वो आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए आपको शुरू करके दिखाते हैं ड्रेसिंग से। देखिए ये जैसे मेरा अंदर सामान रखे हैं, छोटा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा, मतलब मैं एक बराबर ही रखे हैं क्योंकि मैं एक बड़ा बराबर रखेंगे तो इसमें सारा सामान रखना मुश्किल होता है। कहीं बड़ा परफ्यूम रखना हो या कुछ रखना हो तो दिक्कत बड़ी होती है, स्पेस खाती है। तो बाहर से मेरा लगा है शीशा जैसे आप देख सकते हैं, जिसके साथ हमने रखा हुआ है 3 सेल्फ ओपन, कुछ भी रखने के लिए शोकेस पे फोटो या कुछ भी रख सकते हैं आप इस पर। जिसके नीचे हमने रखा है एक दराज, दराज तो बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। पास में आकर दिखा दीजिए इनको। तो इसके नीचे रखें एक छोटा सा पल्ला, छोटा सा सेल्फ रखें देख सकते हैं। तो ये भी हमारा सेल्फ फिक्स नहीं है, हम चाहेंगे तो इसको निकाल के अलग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ टूल रखें तो टूल भी देखिए, इसमें 2 कलर का मैका है, जैसे मर्जी रखिए। इस पर अभी गद्दी लगाना बाकी है तो हमने भी गद्दी लगाना है, इसके बीच में आ जाता है। जब भी मेकअप करना तैयार होना हो आराम से बैठिए इसके ऊपर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास यूज, मतलब यूज करना बहुत आसानी होता है। आराम से बैठ के बैठे सामान निकालिए और यहाँ कुछ रखा भी रहेगा आपको तो यहाँ सामान हटाने ज़रूरत नहीं है। अगर मेकअप का सामान को रखा हुआ नीचे इस जगह आप दिखाइए सामने से, जैसे कि मैं यहाँ कोई सामान रखा हुआ है आप सामान निकालना चाह रहे हैं तो पल्ला खोल कर आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेसिंग टेबल छोटा सा लेकिन इसमें काफ़ी कैपेसिटी है और देखने में बहुत सुंदर है। और वुडन कलर का मैका लगाया इसमें और सेल्फ देख सकते हैं बिल्कुल वाइट है, साथ में इसका हेडबैंडिंग लगाए साथ में। तो अब दिखाते हैं आपको अलमीरा का, देखिए सॉफ्ट क्लोज इसमें लगाए, रखे ये सारे हमारे सेल्फ है फिक्स है। और इसमें हो गया हैंगर के लिए, जिसके नीचे हमने 2 दराज रखा हुआ है, ये भी दराज है, इसमें भी लॉक लगा, दोनों में लॉक लगा रखे। ये सेल्फ जो हमने लगाया हुआ ये फिक्स नहीं किया, हम कल को उठा के अगर बड़ा सामान रखना तो इसको उठा कर साइड करके इसमें बड़ा सामान रख सकते हैं आराम से। आज हमने जो पीछे लगाया पूरा लगाया SCP, क्योंकि पानी दिमाग कीड़े से बचाव करना होता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपको दिख रहा है साइज इस तरफ से है 8 फुट, इस तरफ से 10 फुट है। तो जो यहाँ से हमने यहाँ तक रखा हुआ है 8 फुट, ऊपर 2 फुट अलग से रखे हैं। तो आपको अब दूसरा डोर दिखाते हैं, इसमें शायद थोड़ा कपड़ा रखे हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि वीडियो बनाने टाइम मिलता नहीं है। इसे पूरा फुल हैंगर ही है तो ऊपर भी रखें सेल्फ, इसमें 2 दराज है और सेम इसमें भी 2 एक सेल्फ है। ये भी सेल्फ हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है। तब आपको हम ऊपर से खोल दिखाते हैं, वहाँ से वो पकड़ाइएगा तो आप कुर्सी, क्योंकि 8 फुट के ऊपर बना हुआ तो वहाँ खोलना हाथ पहुँचेगा नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ कुर्सी या तो चेयर चाहिए, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, मेरा हाथ ऊपर जाएगा, इसे ऊपर को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर 3 लाइट लगाया हुआ है, लाइट बंद करके दिखाते हैं, देखिए ये 3 लाइट दो सेम दोनों पल्ले सेम ऊपर ही खुलता है, सॉकेट लगा हुआ है। तो आप बताइए इसमें हमने बत्ती लगाया हुआ है प्रोफाइल का, 1, 2, 3, 4 लगाए हैं। और मैका बिल्कुल फिनिशिंग हाई ग्लोस मैका इसमें लगा हुआ है, लोकल मैका इसमें लगा नहीं है आप देख सकते हैं। अब इसके साथ हमारा बाथरूम है, इसे खोलने ज़रूरत नहीं है लेकिन हमारा ये भी साथ में स्लाइडिंग है, ये इसको हमने पिलर को कवर किया हुआ इस तरह से। और हमने इसमें सेम मैका लगाया ताकि पैटर्न बिल्कुल सेम हो, देखने में सुंदर लगे, क्योंकि इसमें जो भी खर्चा आया और जो कितना खर्चा आया कैसा बना अब हम आपको अपने साहब से बात कराते हैं क्योंकि वही बताएंगे कैसे हमसे मिले और कहाँ मिले। और ज़रूर वो बहुत अच्छे लोग हैं, काम करने में मज़ा आ गया है इसके साथ। साहब प्लीज आइए, कोई बात नहीं समझ उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
बोलिए। हाँ थैंक यू पंकज जी। नमस्कार जी। आपने ना, मैं क्या बोलूँ, क्या काम किया। एक्चुअली मैं ना कोई लास्ट 5 to 6 months पिछले 5-6 महीने से ढूंढ रहा था कि मेरे को अच्छा सा कोई कारपेंटर मिले जी। जो इसको मेरी ये यहाँ पर स्पेस थी, तो यहाँ पे मैंने दो अलमीरा रखी थी, एक आयरन की अलमीरा थी और एक वुडन अलमीरा थी जी जी जी। वो अभी स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड, वो अभी बाहर पड़ी है वो जी जी। हुआ क्या कि मैं यूट्यूब में देख रहा था कि मैं अलमारी बनाऊँ, कैसे बनाऊँ कैसे बनाऊँ। इतनी देर में मैं यूट्यूब में देखा तो ये क्या, कौन सी साइट थी अभी, इंटीरियर पीएम। हाँ इंटीरियर पीएम, वो मैं वाच कर रहा था, वाच कर देखा कि इन्होंने बताया कि मॉडल किचन कैसे बनती है, वो बनती है। जब इनको देखा, इनका इन्होंने अपना नंबर शेयर किया था उस पर यूट्यूब पर, मैंने इमीडिएटली इनको कॉल किया। मैं ऐसी ऐसी बात है तो इन्होंने बोला कि आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी लोकेशन सेंड करो। मैंने को लोकेशन सेंड की, मैंने व्हाट्सएप पर इनको लोकेशन सेंड की। इन्होंने बोलता सर मैं आपके पास 1 घंटे बाद आऊँगा। ये आगे इन्होंने यहाँ की सिचुएशन देखी तो वो, मैं बोला कैसे होगा पंकज जी, कैसे होगा ये, मिस्त्री बताइए अब ये कैसे हो जाएगा मेरा ये काम। बोलते सर अगर आपने पैसा खर्च करना है, आपको चाहिए अच्छी चीज़, तो मैंने बोला पैसे की देखो चीज़ बनती है, बार बार नहीं बनती है। अगर मैं वहाँ यहाँ पे मनी सेव कर लूँ 10-20 हज़ार रुपया तो लाइफ टाइम के लिए मेरी बर्बादी है। बर्बादी मीन्स कि पैसे की बर्बादी और लुक्स भी ख़राब हो जाती है सारी। तो इन्होंने बोला सर आप तो थोड़ा सा अपना खर्चा बढ़ा लीजिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पर था वाशरूम था, उसका डोर इस तरफ था ठीक है। ये बोलेंगे कि ये अलमारी आधी हाफ यहाँ बनेगी या हाफ यहाँ बनेगी, अगर आप एक्सपेंडिचर बचाना चाहते हो। मैंने बोला एक्सपेंडिचर बचाने की कोई टेंशन नहीं है, कोई मैं करूँगा खर्चा। फिर इन्होंने कहा कि ये वाला डोर था यहाँ पे, इन्होंने बोला इसको निकाल दो, ये वाल हमने उतारी है, ये वाली वाल हमने उतारी यहाँ से, वाल सारी वाल नहीं डोर यहाँ से उतारा। यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं स्लाइडिंग बना दूँगा ठीक है। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया, वहाँ का डोर वही पुराना डोर, उसको इन्होंने रिपेयर करके माइकल का के, ये पुराना डोर था 15 साल पुराना, इसने लगाया ये 15 साल पुराना डोर था, इसको इन्होंने माइकल शेकल का के बिल्कुल परफेक्ट कर दिया ठीक है। और साथ में स्लाइडिंग का की, और वो वाली स्पेस जो वहाँ का डोर इन्होंने इधर शिफ्ट कर लिया, और ये वाला पूरा एरिया 8 फीट एरिया जो वाइड था, 8 फीट एरिया इन्होंने पूरा पूरा यहाँ पे अलमारी का, अलमारी अलमीरा में, वार्डरोब में एडजस्ट कर लिया। तो मतलब खर्चा कितना, खर्चे की खर्चे की बात नहीं है, हर आइटम क्वालिटी की आई। इन्होंने बोला सर चीज़ मेरे को चाहिए क्वालिटी, अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए, अच्छी चीज़ बनानी है, अच्छी अलमीरा बनानी है, तो आप कंप्रोमाइज़ मत करिए कीजिएगा उसके साथ। अगर मैं फिर मैंने किसी और से पूछा, नंबर फ़ोन किया उनको, मैं एरिया बताया कि ऐसी चीज़, उन्होंने मेरे को बोला आपका 170 और 175 के बीच में ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल लेबर एंड मटेरियल हो जाएगा। लेकिन इन भाई साहब ने ओनली, इनकी लेबर मुश्किल से 30-35 हज़ार बनी होगी, और बाकी पूरा इसका सामान, सारा सामान डाल के 28 और 30 के बीच, अराउंड अबाउट 130 के करीब में सारा मेरा काम हो गया, सारा काम हो गया। आई एम टोटली सेटिस्फाइड, और मोर ओवर एक कलर चॉइस थी ना जो इनकी थी, मैं भी बोल रहा था, लेकिन इन्होंने कलर चॉइस जो बताई, हालांकि एक दो दफ़ा मेरे इनके साथ बहस ही हुई, यार मिस्त्री ऐसा नहीं होता, जो मेरी क्यों मालिक की बात क्यों नहीं मान रहा, ऐसा जो आपकी मर्जी वैसा कर लो आप। लेकिन फिर ये मैंने सोचा यार ये डेली काम करता है, इसका रोज का काम है, तो ये मेरे को गलत थोड़ी करेगा। तो फिर इसने ये एक बार गलत करेंगे फिर दोबारा करने सकते हैं, क्योंकि ये माइके का थोड़ा था, इसका कलर कॉम्बिनेशन मैं कुछ और चाहता था, लेकिन इन्होंने जब बताया ना, मैं बोला कि यार पंकज जी ऐसा नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा। ये बोलते सर क्यों नहीं बनेगा, मैं आपको आपसे लेबर नहीं लूँगा खराबी हुई। लेकिन जब जैसे ऐसे बनना स्टार्ट हुआ, इसका जैसे इसका ग्लो अप आना स्टार्ट हुआ, अमेजिंग, आई अप्रिशिएट इट, ही इज वेरी गुड, वर्कर, लॉट ऑफ थैंक्स पंकज, थैंक यू सर।